हेलो एंड नमस्ते फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल दी मोटो गर्ल। हाँ, तो बहुत दिन बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ। कुछ रीजंस है और मैं वो शेयर करूँगी मैं आप लोगों से जाते जाते। एक्चुअली अभी कुछ दिनों से बहुत बारिश हो रही थी और तो मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी और कुछ घटनाएं मेरे साथ घट चुकी है और क्या बताओ, टोटली अनएक्सपेक्टेड है। और क्या करे यार, लाइफ है, ऐसे अप्स एंड डाउन्स तो होती रहेगी। तो सबसे पहली बात तो आज मैं जा रही हूँ रोंगटोंग और मैं पहले जा चुकी थी, मैं रोंगटोंग का वीडियो बना चुकी थी, लेकिन मैंने आप लोग को मेरा बाइक वॉश वाला वीडियो में बोला था कि मेरा माइक ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो मैंने वो सीरियसली नहीं लिया। और जिस दिन मैं रोंगटोंग गई मैंने अच्छे से वीडियो बनाया, फिर मैं उस टाइम फुटेज चेक नहीं की, लेकिन घर आने के बाद मुझे पता चला कि कुछ भी साउंड नहीं आया है वीडियो में। मतलब क्या बताओ गाइस, इतना बुरा लग रहा है ना मुझे, क्योंकि एक व्लॉग बनाने में आप जो बनाते हैं उनको पता होता है कितना टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, मतलब ऐसे ही नहीं हो जाता है, तो मेरा वो टोटली वेस्ट हो गया। अब मुझे फिर से जाना पड़ रहा है। और दूसरी बात, सबसे जो ख़राब चीज़ हुआ है मेरे साथ वो है मेरा गोप्रो। एक्चुअली कुछ दिन पहले बहुत बारिश हुई थी और मैं गई थी सिलीगुड़ी मेरे पापा के लिए मेडिसिंस खरीदने, तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी और मतलब रुकने का नाम ही नहीं है, मतलब आधा आधी सिलीगुड़ी तो डूब चुका था बस, और एक दो घंटा अगर लगातार बारिश आता तो शायद पूरा सिलीगुड़ी डूब जाता, ऐसा हाल हुआ था। तो उस टाइम मैं सिलीगुड़ी में थी और मैं बस और गोप्रो मैंने लगाया नहीं था, मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, गोप्रो मेरा बैग में था और मैं एक चाय की दुकान में रुकी थी कि बारिश रुकेगी उसके बाद मैं जाऊँगी, लेकिन बारिश नहीं रुकी और रात भी हो जा रहा था, तो मुझे वहाँ से निकलना पड़ा और मैं घर उस दिन पहुंची रात के 9 बजे। घर आने के बाद मैंने देखा मेरा पूरा गोप्रो में पानी भर चुका है और मैंने केस नहीं लगाया हुआ था। गाइस यही मेरी सबसे बड़ी गलती है, मुझे पता है मेरी गलती की वजह से ये हुआ है और मैं अब सर्विस के लिए दी हूँ, ड्राई बॉक्स में रखा हुआ है। अब एक दो दिन तक तो ड्राई बॉक्स में था, फिर मैंने कॉल करके पूछा तो बोला कि अभी तक पानी ड्राई नहीं हुआ है पूरा पूरी, तो 2-3 दिन तक और रुकना पड़ेगा। पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा गोप्रो ठीक होगा, मुझे मतलब क्या बताऊँ, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, रोना आ रहा है, क्योंकि अब इतने पैसे से अब जब ख़रीदो कोई चीज़ और अगर वो ख़राब हो जाए तो 40,000 कोई जोक नहीं है, और मैं बार बार तो इन्वेस्ट नहीं कर सकती उसमें, और मेरा ये खुद का ही गलती की वजह से हुआ है, किसी को मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। तो अभी मैं शूट कर रही हूँ प्रियेश का गोप्रो से, क्योंकि इतना दिन तक चैनल में कुछ नहीं आ रहा है और खाली तो मैं नहीं रख सकती, कुछ ना कुछ तो डालना ही पड़ेगा, तो मैं उसका गोप्रो लेके अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ। बस यही है, पता नहीं सारी प्रॉब्लम, इतना प्रॉब्लम है मेरे साथ ही क्यों होता है। अब गोप्रो ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो फिर ख़त्म, टाटा बाय बाय, और क्या मैं कह सकती हूँ। तुम्हें उनकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूँ, तुम मेरी फिक्र करो। तो गाइज यहाँ पे झगड़ा चल रहा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पता नहीं क्यों, कुछ तो हुआ होगा। अरे मैं ट्रैफिक से थोड़ा बाहर निकल चुकी हूँ, अब मैं
पहुंची हूँ माटीगढ़ा, और मैं जाऊंगी इधर अंदर वाला रोड है, मैं उसी से जाऊंगी, क्योंकि अभी इधर से जाने से मुझे दार्जिलिंग मोड पे जाना पड़ेगा और थोड़ा दूर भी हो जाएगा, और यहाँ से मैं अगर जाऊंगी तो जल्दी पहुंच जाऊंगी। आप लोगों को तो पता ही, इधर से कर्शियंग जा सकते हो रोहिणी होके, और दुधिया भी जा सकते हो, मिरिक जा सकते हो, और ये रोड आ गया इधर में। मुझे लेना पड़ेगा राइट। ओ ट्रक आ रही है, मैं जा रही हूँ ये रोड से। सिर्फ एक चीज़ मुझे पसंद नहीं ये रोड का, वो है इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स। और KTM का ग्राउंड क्लियरेंस तो पता ही है आपको, लग जाता है, मैं जितना भी टेढ़ा मेढ़ा करके निकाल लूँ लग ही जाता है। ओह देख सकते हो कितने बड़े हैं। मैं अभी पहुंचने वाली हूँ दागापुर, और ये रोड से मैं काफ़ी बार आए, ये रोड मतलब यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, सुरेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, तो यहाँ पे मेरा एग्ज़ाम होता था तो मैं वो देने आती थी, इसलिए मुझे ये रोड के बारे में पता था। और अभी यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेके जाएंगे सालबड़ी के तरफ। मुझे ये रोड बहुत पसंद है। थोड़ा देर बाद जो सीन आएगा ना वो तो आप लोग देखोगे ही। देख रहे हो मेरे राइट साइड पे टॉय ट्रेन्स के लाइन, और मैं इसी के बराबर जाऊंगी सीधा। रोंगटोंग के जो मेन अट्रैक्शन वो तो आपको पता ही है, टॉय ट्रेन्स, और टॉय ट्रेन्स अगर देखने को मिल जाए तो अच्छा है। आप लोग जैसे कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कोलकाता से है, वो लोग आए नहीं है इधर में, और उनको पता नहीं है, टॉय ट्रेन्स देखे नहीं है कभी, मतलब देखे हैं मतलब कि समझ रहे हो ना, तो वही वो लोग खुश हो जाएंगे देख के। मैं उन लोगों को बोलते हूँ आ जाओ यार मैं घुमाऊँगी, लेकिन वो लोग आते ही नहीं। ये जगह पर पहुँचने के बाद ना वेदर अचानक से चेंज हो जाता है, मतलब अगर आप सिलीगुड़ी से आ रहे हो और धूप रहता है तो यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको ठंड लगना स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि देखो मेरे लेफ़्ट साइड में कितने सारे पेड़, मतलब ये अभी तो सुकना में पहुँची नहीं, सुकना में पहुँचने वाली हूँ, यहाँ से बस 2 किलोमीटर है, और कल इलेक्शन है 26 जून, तो आज से ही मतलब थोड़ा भीड़ भाड़ स्टार्ट हो चुका है। एंड मुझे दिख रहा है माउंटेन्स एंड क्लाउड्स, वाओ आज कितना क्लियरली समझ आ रहा है। अगर कर्शियंग उर्शियंग अगर कोई आज गया होगा तो उन लोगों को अच्छा व्यू मिल रहा होगा। रोहिणी यहाँ से 15 किलोमीटर, मेरे 55 किलोमीटर, और गाइस ये जो आप लेफ़्ट साइड वाले जो रोड है ये जाता है आपका कर्शियंग, रोहिणी, मिरिक, दुधिया, तो आप अगर माटीगढ़ा होके आ रहे हो या फिर दार्जिलिंग मोड़ होके तो आपको लेफ़्ट टर्न लेना पड़ेगा, और ये रोड आर्मी कैंप होते हुए जाती है। और ये मैं पहुंच गई
सुकना रेलवे स्टेशन मेरे लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, मैं इतना कंफ्यूज क्यों हो जाती हूँ। और ये है हनुमान जी का स्टैचू, और अभी थोड़ी देर में मैं पहुँच जाऊँगी सुकना फॉरेस्ट, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट रूट। वो और मैं पहुँच गई हूँ सुकना फॉरेस्ट। वेलकम टू महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इधर ये देख रहे हो ना, ये राइट साइड में ये है सुकना फॉरेस्ट का बंगलो। और ये रोड जितना खूबसूरत है उतना ये रिस्की है, तो थोड़ा केयरफुली चलाना पड़ेगा क्योंकि हाथियों के ग्रुप जाते हैं। एलिफेंट जोन है, एलिफेंट क्रॉसिंग जोन। और रोंगटोंग यहाँ से 6 किलोमीटर। यार ये रोड पे क्या बताओ, मतलब आपको अगर 1000 बार भी ये रोड पे चलाने बोलेंगे ना, आप कभी भी बोर नहीं होंगे ये रोड से। ओह गाइस, टॉय ट्रेन आ रहा है, वाह आज तो लक है मेरा। अच्छा, और ये नो स्टॉपिंग जोन है, ठीक है। अगर आप मतलब खड़े नहीं रह सकते यहाँ पे, कोई ड्रोन जोन नहीं है, ड्रोन से कुछ ले नहीं सकते, कैमरा फोटोग्राफी नहीं कर सकते। और ये है टिंग टिंग टॉय ट्रेन। मैं कभी गई नहीं यार टॉय ट्रेन से दार्जिलिंग, मुझे बहुत जाना है। और देखो मेरे घर के इतने सामने हो के भी मैं टॉय ट्रेन पे कभी चढ़ी नहीं हूँ। बाय द वे गाइस, मैं बताना भूल गई कि ये है NH 55। और नाउ डेज ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत पक्षियाँ आती है, तो जिनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पसंद है वो आ जाओ। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going. बहुत मजा आता है ये रोड पे चलाने के लिए। और वेदर का मैं क्या बताऊं, आई विश कि मेरे बैक सीट पे कोई होता तो अच्छा होता, लेकिन नो वरी, मुझे अकेले पसंद है, अकेले घूमना पसंद है, अकेले बाइकिंग करना पसंद है, राइड करना पसंद है। आउच, ये जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, ये बड़े ख़तरनाक चीज़ है भाई, इसमें थोड़ा संभाल के पास करना पड़ता है। अगर एक बार बाइक का चक्का उक्का लग गया तो फिर मुश्किल है, स्किड कर सकता है बाइक। और आपको तो पता है ये रोंगटोंग के रोड्स, वो कॉर्नरिंग। गाइज, मेरे पास सेफ्टी गियर्स नहीं है, आई एम रियली सॉरी, तो मैं ज़्यादा लीन नहीं हुई, और मैं लूँगी कुछ दिन बाद। आप लोग बोलते हो कमेंट सेक्शन पे कि सेफ्टी गियर्स नहीं है, पता है, इसलिए मैं अभी छोटे छोटे राइड कर रही हूँ। और ये रोड बहुत कर्व है इसमें, और टर्निंग है बहुत, ब्लाइंड स्पॉट है। देखो गाड़ी आता है, पता ही नहीं चलता है कि सामने से आ रहा है, तो जब भी ब्लाइंड स्पॉट आए तो हॉर्न ज़रूर दो ताकि सामने वाला अलर्ट हो जाए। आप टर्न करो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी आ रहा है सामने से। लव दिस रोड, आई लव, अमेजिंग। मक्खन वाले हैं, मक्खन। रोंगटोंग बस 2 किलोमीटर। आउच, यहाँ पे ना छोटा सा झरना भी है,
मैं कहीं पे रुक के आप लोगों को व्यू कौन हाँ कैसे हो हेलो नाम शिखा शिखा आपका अच्छा थैंक यू अच्छा मुझे अभी मिल रहे हैं मतलब सब्सक्राइब किया आप मेरे चैनल अच्छा थैंक यू सो मच हाँ 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 नहीं बस एक साल होने वाला है अभी बस यही रोंगटोंग तक आप कहाँ जा रहे हो अच्छा ठीक है बाय सेफ राइट सेफ ओके वाओ अच्छा लगा यार कोई मेरा व्लॉग्स देखता है थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करोगे तो नो वन कैन स्टॉप मी है ना चाहे गोप्रो बिगड़ जाए भाड़ में जाए मैं फ़ोन से भी बना लूँगी यार मैं थोड़ा शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि रिसेंटली मैंने स्टार्ट करा है व्लॉगिंग तो मुझे नहीं लगता कोई मुझे पहचानता है तो ऐसे अगर कोई अचानक से बोले तो शॉक्ड होंगी ना एंड बहुत खुशी लग रहा है मेरा मूड ऑफ था गाइस क्योंकि मेरा गोप्रो को लेके मेरा कुछ दिन से बहुत ही ज़्यादा मूड ऑफ है और ये जब बोली कि वो मेरे व्लॉग्स देखती है अच्छा लगा तो गाइस मैं जब आई थी ना उस टाइम थोड़ा वेदर बहुत क्लाउडी था ये देखो झरने छोटे छोटे झरने तो वेदर क्लाउडी था और मैं उसका क्लिप मैं कुछ क्लिप मैं डालूंगी मेरा ये व्लॉग पे वाओ गाइस कुछ देखना चाहोगे आप वाओ देखो जन्नत इसे कहते हैं जन्नत लेकिन नीचे जो है वो है खाई नीचे जाओगे तो फिर दूसरे वाले जन्नत पे पहुंच जाओगे देखो गाइस देखो वो है पूरा सिलीगुड़ी और मैं यहाँ ज़्यादा देर रुकूंगी नहीं क्योंकि यू नो नो स्टॉपिंग जोन वगैरह है तो ये देखो टॉय ट्रेंड्स के लाइन पहले मेरे राइट साइड में था अभी नीचे से जा रहा है नीचे होके फॉरेस्ट के अंदर से जाएगा आई लव दिस प्लेस ये फ्लैग्स होते हैं ना मुझे बहुत पसंद है आउच स्पीड लिमिट 30 मैं जा रही हूँ 21 वाओ टी गार्डन्स देखो ऊपर में टी गार्डन्स और ये मैं पहुंच गई रोंगटोंग शिपोई धुड़ा अच्छा यहाँ का जो टी गार्डन है उसका नाम है शिपोई धुड़ा और तीनधरिया 7 किलोमीटर खरसियांग 35 दार्जिलिंग 62 और मैं तीनधरिया नहीं जाऊँगी क्योंकि तीनधरिया में जा चुकी हूँ तीनधरिया होके वो क्या बोलते इसको गिद्दा पहाड़ हाँ मैं गिद्दा पहाड़ तक गई थी और ये जो दिख रहा है ना ये वाला रोड ये चला जाएगा आपका शिवखोला और तीनधरिया 7 किलोमीटर महानदी 22 सोनाडा 47 मैं शिवखोला ज़्यादा ऊपर तक नहीं गई हूँ थोड़ा दूर तक गई हूँ और अगर मुझे टाइम मौका मिलेगा तो मैं शिवखोला ज़रूर जाऊँगी और ये रोड बाप रे ये एक पॉइंट आएगा बहुत ही ज़्यादा स्टीफ है और यहाँ से थोड़ा दूर बाद ही है रोंगटोंग स्टेशन मैं वहीं तक जाऊँगी तो चलिए जाते हैं
तो गाइज मैं ना जाने ही वाली थी यहाँ से, लेकिन मुझे टॉय ट्रेन का आवाज़ सुनाई दिया तो मैं अभी रुक गई हूँ, क्योंकि जब यहाँ तक आ चुकी हूँ तो मैं आप लोग को टॉय ट्रेन का व्यू मैं दिखा के ही रहूँगी। गाइज आप लोग यहाँ का नज़ारे देखिए, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, और मैं बस जाने ही वाली थी लेकिन यहाँ मुझे टॉय ट्रेन की आवाज़ सुन के मैं रुक गई हूँ। तो मैं सोची इतना दूर जब आ ही गई हूँ तो क्यों ना मैं आप लोग को टॉय ट्रेन दिखा ही दूँ। वहाँ पे लिखा हुआ है रॉन्ग टर्म, क्या मैं पागल जैसा बात कर रही हूँ। तो गाइज मैं वेट कर रही हूँ अभी टॉय ट्रेन का कब आएगा, लेकिन मुझे जल्दी घर जाना होगा, अगर लेट हुआ तो होगा नहीं। गाइस वहाँ पे मेरा बाइक है और सब मेरा बाइक को देख रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका बाइक को सब पसंद करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे है मेरा बाइक, अभी आएगा टॉय ट्रेन। तो ये आंटी और अंकल यहाँ पे काम करते हैं, है ना आंटी? कब से कर रहे हो आप काम यहाँ पे, कब से कर रहे हो? 15-16 साल हो गया। और अंकल आपका? मेरा 7 साल हो गया। आपको तो मैं बहुत सारा वीडियो में देखी हूँ यूट्यूब पे, शायद यहाँ पे आते हैं ना वीडियो बनाने के लिए, तो आपसे बात करते होंगे, तो मैंने देखा है आपको पहले आए थे। हाँ इसके बाद हम चले गए NGP। हाँ पहले का वीडियो मैं देखी थी, 1-2-3 साल पहले का शायद, तो मैं देखी थी आपको। अच्छा अगले साल करूँगा तो 7 साल यहाँ का नौकरी आपका, बाप रे। अभी टॉय ट्रेन आएगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अंकल अंकल हाय कर दो, हाय। ये देखिए आपको दिखाई देगा, अरे वो शायद पानी थोड़ा सा वो हो गया। मुझे लगा यहाँ पे रुकेगा शायद, यहाँ नहीं। अच्छा ठीक है अंकल, बाय बाय। हाँ मैं जा रही हूँ। ऊपर घर है? ऊपर में घर? ऊपर मैं आज नहीं जाऊँगी, मैं दूसरे दिन आऊँगी, वो तीन धरिया होके उधर कर्शियम तक जाऊँगी। तो गाइज मेरा बाइक यहाँ पे है और मैं यहाँ जा रही हूँ मोमो खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बालकनी है और व्यू बहुत ही अच्छा है। मैं दिखाई दे रही हूँ, हाँ, तो वहाँ पे मोमो मैं खाऊंगी, व्यू के मज़े लेते लेते, तो आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। ये है वो शॉप, यहाँ पे मैंने अपना हेलमेट और बैग रखा हुआ है, और ये है बालकनी। ओ वाओ नाइस व्यू। ये है बाहर का व्यू। मोमोज आ चुके हैं, ये है मेरे हाथ में, अभी मैं खाऊंगी इस व्यू के साथ साथ, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, कितना टेस्टी लग रहा है। मोमो तो मेरा फेवरेट है और अभी ये मैं खाऊंगी। गाइस मेरा मोमो खाना हो गया, अब मैं जाऊंगी घर, और अभी टाइम हो रहा है 5 और मैं सीधा जाऊंगी घर। बस मुझे अगर रास्ते पे कोई मिल जाए तो फ़ोटो क्लिक करने के लिए मैं बोलूंगी, और ना कोई नहीं है तो मैं चली जाऊंगी, मुझे रोकना नहीं पड़ेगा।
गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, टॉय ट्रेन्स की वीडियो, ये अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मैं ये इस प्लेस के बारे में बात कर रही थी, मुझे ये प्लेस बहुत पसंद है, मुझे यहाँ पे रुकना है वो, और अपना बाइक का फ़ोटो लेना है। मैं रुकती हूँ। तो गाइस, आज का वीडियो यहीं तक, और मिलते हैं दूसरे व्लॉग पे। बाय बाय।